इसलिए सप्लायर और कंसाइनमेंट चल रहे हैं एंड ऑल मूवमेंट फ्रॉम कंसाइनमेंट टू ट्रांसपोर्ट और फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू कंसाइन विद इन स्टेट. यानी अगर विद इन स्टेट आपका ट्रांसपोर्टर जिसको आपको माल जहां से आपको भेजना है वो अगर 10 किलोमीटर के अंदर है तो आपको उसके लिए ईवीबिल यानी ट्रांसपोर्टर क्या माल भेजने के लिए ईवीबिल की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर वो 12 किलोमीटर पे आपका ट्रांसपोर्टर देन वो केस में भी आपको ईवीबिल बनाना पड़ेगा. सिर्फ इस केस में कि जहां पे ट्रांसपोर्टर विद इन 10 किलोमीटर है वहां पे आप ऐसा नहीं कि आप एक आपके कोई विद इन स्टेट ही ब्रांच है और वहां पे आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में माल भेज रहे हैं तो आपको ईवीबिल बनाना पड़ेगा भले ही वो बाजू में क्यों नहीं हो 500 मीटर भी क्यों नहीं हो. ठीक है ना. उसमें भी ये केस में भी जो है ट्रांसपोर्टर वाले केस में भी जहां 10 किलोमीटर के अंदर है स्टिल पार्ट ए टू बी जनरेटेड. पार्ट ए की तो सब डिटेल मालूम है आपको बस क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर अभी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि आप माल ले जाके दे रहे हैं इसलिए पार्ट बी उसमें नहीं है लेकिन पार्ट ए इज रिक्वायर्ड. नाउ हाउ टू जनरेट ईवे बिल. नाउ दिस इज वेरी वेरी टेक्निकल अनलेस एंड अंटिल यू सिट ऑन द पोर्टल एंड जनरेट ईवे बिल तभी आपको समझेगा प्रैक्टिकली. इसमें आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं आने वाली है लेकिन मैं जब ईवे बिल का पोर्टल पे हम जाएंगे और वहां पे देखेंगे तो इट इज वेरी इजी एंड ईवे बिल पार्ट ए एंड पार्ट बी इज देयर एंड पार्ट ए एंड बी पार्ट ए एंड पार्ट बी इज देयर एंड रजिस्टर पर्सन. इसमें एक उन्होंने एक प्रोविजन दिया है कि आप एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर कॉमन पोर्टल से निकाल सकते हैं. आप अपनी जो इनवॉइस की जो डिटेल है इफ यू फिल इन द फॉर्म देयर इज अ फॉर्म INV1 GST INV1 इस फॉर्म में अगर आप अपनी इनवॉइस की डिटेल डाल देते हैं तो एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा और इसका जो ये जो डिटेल आप डालेंगे इससे आपका जो पार्ट ए है ईवे बिल का वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. द रजिस्टर्ड पर्सन विल नॉट हैव टू अपलोड द इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए फॉर जनरेशन ऑफ ईवे बिल सेम विल बी ऑटो पॉपुलेटेड जो अपने इनवॉइस वन में जो डिटेल डाली है उससे एंड अपॉन जनरेशन ऑफ द ईवे बिल जैसे आपने ईवे बिल जनरेट किया तो एक आपको ईवे बिल नंबर जनरेट होगा कॉमन पोर्टल पे एंड दैट विल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर रेसिपिएंट एंड द ट्रांसपोर्टर. तो ये वो इलेक्ट्रॉनिकली जो आपने डिटेल डाली है रेसिपिएंट की ट्रांसपोर्टर की उन सबको वो ईवे बिल रेफरेंस नंबर उनको सबको डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल. ईवे बिल ऐसा नहीं कि आपने बना लिया अब आप आराम से माल भेज रहे हो ऐसा कुछ नहीं है. फॉर एवरी 100 किलोमीटर दे हैव प्रोवाइडेड वन डे. ठीक है ना. तो 100 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है तो उन्होंने एक दिन दिया है. अगर 110 किलोमीटर है तो दो दिन दिया उन्होंने. फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर दे आर गिविंग वन डे. ठीक है ना. सो अप टू 100 किलोमीटर एक दिन है और फॉर एनी एडिशन टू दैट फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट ऑफ इट दे आर गिविंग एन एडिशनल डे. ना आपने ईवे बिल बना दिया लेकिन उसको एक्सेप्ट भी होना चाहिए. आपने किसी के भी नाम से बना दिया कभी कभी सपोज गलत भी बन गया है इसलिए ईवे बिल शुड बी मेड अवेलेबल टू रिसिपिएंट रजिस्टर्ड ऑन वो अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको ईवे बिल नंबर मिल जाएगा एंड ही विल कम्युनिकेट इज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट कवर्ड बाय ईवे. वहां पे एक प्रोविजन है जिससे कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और अगर वो देखता है कि नहीं ये मेरे इस माल से कोई लेना देना नहीं है देन ही कैन रिजेक्ट इट ऑल्सो. दैट प्रोविजन इज देयर बट उसको 72 आवर्स उसके लिए दिए गए कि विद इन 72 आवर्स
you can either accept it or you can reject it. Now cancellation. अगर आपका EVA bill कुछ उसमें mistakes हो गई है वो गलत बन गया है then it can be cancelled electronically on the common portal either directly or through a facilitation center notified. तो आप उसको cancel कर सकते हैं EVA bill को. Now this is very very important provision of EVA bill. एग्जम्पशन फ्रॉम इश्यू ऑफ ईवे बिल. एक तो यही है कि 50,000 के अंदर का कंसाइनमेंट वैल्यू है तो देर इज नो नीड. नाउ अनदर इज 10 किलोमीटर वाला जो मैंने बताया ट्रांसपोर्टर बिजनेस पर्सन टू ट्रांसपोर्टर वहां वो वाला है. देन द वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन अनेक्सर गिवन इन नोटिफिकेशन. तो एक ये नोटिफिकेशन है रूल्स में उसमें मेजर जो एक तो एग्जेम्प्टेड गुड्स जो है जीएसटी में जो भी एग्जेम्प्टेड गुड्स है जैसे कि आपके मिल्क वेजिटेबल्स फूड ग्रेन्स फ्रूट्स न्यूज़पेपर पल्सेस देन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट ये सब चीजों को उन्होंने ईवे बिल से भी एग्जेम्प्ट रखा है. ठीक है ना. उसके लिए आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है. और कुछ जो चीजें फ्लेक्सिबल थी जीएसटी में स्टिल दे आर एग्जेम्प्ट इन ईवे बिल लाइक दिस एलपीजी केरोसिन अंदर पीडीएस पोस्टल बैगेज ज्वेलरी चैप्टर 71 जो है उससे रिलेटेड वो उन्होंने एग्जेम्प्ट रखा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड गुड्स यानी जो आपके यूज हो चुके हैं जैसा कि मैंने लैपटॉप का एग्जाम्पल दिया था. अगर मेरा वो यूज हो चुका है तो यूज पर्सनल और हाउस होल्ड गुड्स दैट आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट. मैं कार में जा रहा हूं कार भी गुड्स है वो पूछ सकता है इसका ईवे बिल कहां है बट दैट इज माय यूज गुड्स दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट एयरपोर्ट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स and land custom station to an inland container depot or container freight station for clearance by customs. And in respect of movements of goods within notified area, they may notify some area subsequently कि यहाँ पे आपका movement अगर रहता है, then there is no need to for generating the EVA bill. Now इसमें कौन-कौन से forms हैं? The first is EWB01 that is EWA bill form जो कि आपको जनरेट करना है. देन देर इज EWB02 that is consolidated EWA bill form. क्या होगा कि जैसे ट्रांसपोर्टर है अब उसके पास में जो एक ट्रक में माल जाने वाला है उसके अंदर हो सकता है कि 10 12 15 50 EWA bill का माल आया है. ठीक है ना. तो उस केस में उसको इतने सारे वो ईवे बिल कैरी करने की जगह ही कैन जनरेट कंसोलिडेटेड ईवे बिल जिसमें कि वो ईवे बिल की सब इंफॉर्मेशन सभी ईवे बिल की इंफॉर्मेशन डाल देगा और देयर विल बी अ सिंगल कंसोलिडेटेड ईवे बिल. सो दैट इज EWB02 इंस्पेक्शन रिपोर्ट टू बी फाइल बाय द प्रॉपर. बीच में अगर इंस्पेक्शन होता है तो उसको एक विद इन अ टाइम फ्रेम उसको EWB03 में अपनी रिपोर्ट फाइल करना है. एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक. कहीं पे ऐसा नहीं है कि आपको वो मैन्युअली ऐसा चालान जैसे आरटीओ में फटता वैसा कुछ नहीं है. वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको अपलोड करना है. और अगर आपका व्हीकल 30 मिनट के ऊपर कहीं डिटेन हो रहा है तो आप भी इलेक्ट्रॉनिकली इमीडिएटली आप EWB04 में वो रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा व्हीकल 30 मिनट से ज्यादा डिटेन हुआ है उसके लिए. देर इज अ प्रोविजन फॉर दैट ऑल्सो. नाउ व्हाट इज देयर इन फॉर्म जीएसटी EWB01 डिटेल्स रिक्वायर्ड इन पार्ट ए. जीएसटीएन ऑफ रिसिपिएंट जिसको आप माल भेज रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कहां पे माल भेजना है आपको दैट इज प्लेस ऑफ डिलीवरी. इनवॉइस चालान नंबर इनवॉइस चालान डेट इनवॉइस ऑब्लिक चालान नंबर. अगर आपने इनवॉइस नहीं बनाया यू हैव प्रिपेयर्ड ओनली डिलीवरी चालान. ठीक है ना.
तो आपको डिलीवरी चालान का डिटेल देने का, देन वैल्यू ऑफ गुड्स, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन कैन बी सप्लायर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जॉब पर, सेमी नॉकडाउन और एंड कंप्लीट नॉकडाउन स्टेज में, अगर कोई समझो एक कोई प्लांट है बड़ा और उसको चार पांच पार्ट में उसको नॉकडाउन करके अगर ले जाया जा रहा है तो वो है कि सेमी नॉकडाउन और कंप्लीट नॉकडाउन। रिसिपिएंट नॉट नो, कभी एक वैन में माल जा रहा है उसमें आगे रिसिपिएंट नहीं मालूम, लाइन सेल, सेल्स रिटर्न, एग्जीबिशन और फेयर उसके लिए भी हो सकता है फॉर ओन यूज। सो रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन यू हैव टू गिव, देन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिटेल्स रिक्वायर्ड इन पार्ट बी इज व्हीकल नंबर, प्लेस ऑफ डिलीवरी शैल इंडिकेट पिन कोड ऑफ प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट डिलीवरी डॉक्यूमेंट नंबर इंडिकेट गुड्स रिसीप्ट नंबर, रेलवे रिसीप्ट नंबर और एयर बिल और बिल ऑफ लेडिंग नंबर। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन इन पार्ट ए। Now, who all can update the vehicle number for the EVP? Now, there are, these were the provisions, basic provisions under EVP. Now, we have some FAQs which have been provided by the EVP portal. Who all can update the vehicle number of the EVP is not valid without the vehicle number. And it can be, the vehicle number can be updated by the generator of the EVP or the transporter. Aside for the EVP. So the supplier, recipient or the transporter can update the EVP number. Now EVP cannot be modified, it cannot be edited or corrected, either it can be cancelled, but it cannot be modified. Okay, so that we have to keep in mind. What is prerequisite to generate the EV bill? The person should be registered person, and if the transporter is not registered person, अगर transporter registered नहीं है तो उसको EV bill portal पे जाना है and he has to get registered there. We will see the procedure, वहां पे उसको registered there, there is a form, ERN one form is there, ERN point. वहां पे जाके उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। सो देयर इज वन मोर कॉम्प्लायंस फॉर ट्रांसपोर्टर एंड द डॉक्यूमेंट सच एज टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सेल, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान, ये सब ट्रांसपोर्टर आईडी, ये सब चीजें होना चाहिए एंड द व्हीकल नंबर, इट इज दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द ईवीपी। If the vehicle in which goods are being transported having EV bill is changed, अब कभी कभी हो सकता है कि एक व्हीकल में जा रहा है लेकिन कुछ कारण से अगर व्हीकल चेंज करना पड़ा ट्रांसपोर्टर, दिस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज विल कम, तो क्या होगा? तो देन देर मे बी रिक्वायरमेंट टू चेंज द व्हीकल नंबर आफ्टर जनरेटिंग द EV bill. इन सच केसेस द ट्रांसपोर्टर जनरेटर ऑफ द बिल कैन अपडेट द और चेंज व्हीकल नंबर। तो इस केस में उसको वो व्हीकल नंबर अपना चेंज कर सकता है। व्हाई द ट्रांसपोर्टर नीड्स टू एनरोल ऑन द ईवीबिल सिस्टम? नाउ ट्रांसपोर्टर क्योंकि उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन है इफ दे वांट, क्योंकि दे कम अंडर द रिवर्स चार्ज, ठीक है ना, और वो वाला रिवर्स चार्ज अभी खत्म नहीं हुआ है, वो है, दैट इज स्पेसिफाइड सर्विस। तो कई ट्रांसपोर्टर ने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जीएसटी में, बट ईवीबिल के लिए दे हैव टू गेट रजिस्ट्रेशन फॉर दिस, सो दे नीड टू एनरोल ऑन द ईवीबिल पोर्टल एंड जनरेट द 15 डिजिट यूनिक ट्रांसपोर्टर आईडी। उससे उसको एक 15 डिजिट का ट्रांसपोर्टर आईडी मिलेगा एंड दैट फॉर्म इज ENR01, वी विल सी द सेम ऑन द पोर्टल।
Can I transport the goods with the e-way without vehicle litter in it? No. You cannot transport the goods without the vehicle number. That is part B. आप उसके बिना नहीं कर सकते. Whether e-way bill is required for all the goods that are being transported? For all goods it is required only the goods which have been exempted. जो कि मैंने बताया आपको कि जो goods mostly जो GST में exempt है goods, उनके लिए जरूरत नहीं है. और कुछ जो चार पांच गुड्स मैंने बताया उसके लिए आपको e-way bill जनरेट करने की जरूरत नहीं है. What is consolidated e-way bill? That is already we have considered कि जहाँ पे multiple e-way bill है एक consignment में, there the transporter can consolidate the multiple e-way bill into a consolidated e-way bill. That is transporter can generate this e-way bill. Can I use the different modes of transportation to carry the goods having the e-way bill? हो सकता है कि आपको यहाँ से आप वहां कश्मीर तक भेज रहे हैं तो हो सकता है कि आप बीच में यहाँ से ट्रक से जा रहा है, फिर आप रेलवे से जा रहा है, फिर कहीं शिप से जा रहा है, कहीं ऐसा मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन भी देगा. सो इन दैट केस आपको एवरी टाइम व्हेन कन्वेयंस इज चेंज यू हैव टू अपडेट द ईवे बिल. आपको अपडेट करना पड़ेगा द डिटेल्स ऑफ कन्वेयंस स्पेसिफाइड इन द ईवे बिल ऑन द पोर्टल शुड मैच विद द डिटेल्स ऑफ कन्वेयंस. जो पोर्टल पे दिख रहा है कि ये कन्वेंस में ये नंबर है, व्हीकल नंबर में आपका माल जा रहा है, तो वो एक्चुअली भी वो वहां होना चाहिए कि वही कन्वेंस में वो जा रहा है. सो यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग एज सून एज यू चेंज द व्हीकल बिफोर यू स्टार्ट द मूवमेंट इन दैट कन्वेंस. यू हैव टू अपडेट वेरी. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट दैट नीड टू बी कैरीड अलॉन्ग विद द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड. आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है अदर देन ईवे बिल. द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस कैन कैरी द टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान एज द केस में भी एंड ए कॉपी ऑफ द ईवे बिल और ईवे बिल नंबर जनरेटेड फ्रॉम द कॉमन पोर्टल. ये चीजें आपको कैरी करना जरूरी है. Now this is how to convert you from different registered business. आप जो registered business से movement अपने registered place से आप कर सकते हो. Now there are various methods of generating the e-way bill. आप अलग अलग method से generate कर सकते हैं कि first is using web based system. That is we all are doing for other forms. That is on common portal we are filing the form. So that is web based system. Then there is a bulk upload facility. जहाँ पे thousands of invoices बन रहे हैं तो वहाँ पे there is a bulk upload facility also कि एक ही customer के या bulk upload तो वहाँ पे वो facility उन्होंने दी है कि then there is a SMS based facility also. उन्होंने पूरा सब abbreviation वगैरह सब दिए है कि आपको अगर मोबाइल पे SMS के थ्रू जनरेट करना है तो that facility is there. But that is very very risky क्योंकि वो उतना जरा रिस्की प्रपोजिशन है वो. देन यूजिंग एंड्रॉइड ऐप. आपको शायद मेरे ख्याल से SMS भी आए होंगे कई लोगों को कि यू कैन डाउनलोड द ऐप GST ईवे बिल ऐप. तो ऐप विल मेक द थिंग्स वेरी वेरी कंफर्टेबल क्योंकि उसमें रेडी रहेंगी सब चीजें. तो ऐप विल बी वेरी यूजफुल. यूजिंग साइट टू साइट इंटीग्रेशन. ये जो है दैट इज API सिस्टम. ये एक बहुत अच्छा है कि इसमें आपके विल सी बेटर ऑन यूजिंग GSP गुड्स एंड सर्विस. एक सुविधा प्रोवाइडर की अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू द सिस्टम सेटअप बाय विच यू कैन जनरेट द ईवे बिल. नाउ हाउ कैन द टैक्सपेयर अंडर GST रजिस्टर फॉर द ईवे बिल सिस्टम. नाउ एवरीवन हैज टू गेट रजिस्टर्ड ओवर द इन द ईवे बिल साइट portal. उसमें आपको रजिस्टर करना जरूरी है. आपका GST में रजिस्ट्रेशन है लेकिन उसमें फिर से आपको ईवे बिल जनरेट करने के लिए यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड और उसकी प्रोसीजर वगैरह दी है. दैट इज टेक्निकल. ये तो जब आप 16 जनवरी को जब पोर्टल में बैठेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. देन देयर इज अ प्रोसीजर फॉर SMS.
how can the text is the Android app? Android app में आप that will be self explaining आप अगर use करेंगे तो this is API interface. It is a side to side integration of two system. यानी जो आपका system है और जो portal है own portal that will be integrated. So आप जब वहाँ से UAV generate करेंगे तो आपको एक तो duplicate there will not be duplicate entry. Normal जो system है उसमें क्या है कि taxpayer generate invoices from his IT system. पहले text invoice हम generate कर रहे हैं, फिर हम UAV portal पे जा रहे हैं, वो एक एक text invoice का हम UAV generate कर रहे हैं. तो हमको duplication हो रहा है कि वो data उसमें हो सकता है कि clerical error भी हो जाए. तो उसमें हमको दो बार एंट्री करना पड़ रहा है जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है. एपीआई इंटरफेस में कैन अवॉइड डुप्लीकेट एंट्री ऑफ इनवॉइस डिटेल्स फॉर यूएवी जनरेशन. एक तो वही डाटा हमको डबल से एंट्री नहीं करना है. इट विल एलिमिनेट डाटा एंट्री मिस्टेक एरर्स बीइंग मेड बाय ऑपरेटर एंड यूएवी नंबर कैन बी स्टोर्ड बाय द टेक्सपेयर सिस्टम इन द डाटाबेस. का एक डाटाबेस भी तैयार हो जाएगा. So it will be an automation कि आपका वो integrate हो गया system कि आप text invoice generate करें आपका UAV generate हो रहा है automatically और so that is integration. And अभी इन्होंने मेरे को एक चीज समझ में, इन्होंने ये condition डाली है कि ये system वो use कर सकता है जिसको at least 1000 invoices daily generate करना है. So why they have put up this condition I don't know, because many of the software may integrate this thing. But they have put up a system in the manual, they have put that if you have to generate more than 1000 invoices, then you can use this system. Now, how does the taxpayer generate UAV bill with part and move the goods? कभी कभी उसको खुद को ही movement करने का है, where he is not doing the goods to the transporter. So there he wants to move the goods and he can enter his GSTIN as transporter ID and generate the UAV bill. And this will indicate that he is the transporter for that particular UAV bill. What is to be entered in GSTIN column if consigner or consignee both are not having the GSTIN? If the consigner or consignee is unregistered taxpayer not having GSTIN, then user has to enter unregistered person in corresponding GSTIN column. Part B is a must for UAV bill movement. Otherwise, जो printout निकलेगा ये UAV bill का उसमें आ जाएगा कि this is invalid. What is to be done to the UAV bill if the vehicle breaks down? हो सकता है कि वो breaks down भी होंगे, ये सब चीजें होंगी. So if he is going to change the vehicle, then he has to enter the new vehicle details for the UAV bill. या उसको ऐसा लग रहा है कि वो 100 किलोमीटर का जो क्राइटेरिया था वैलिडिटी दैट में एक्सपायर, तो उसको पहले से ही कमिश्नर से परमिशन लेना पड़ेगा उसको बिल को अपडेट करने के लिए एंड ही कैन कंटिन्यू द जर्नी विद द न्यू व्हीकल. ये इसको अपडेट व्हीकल नंबर. हाउ मेनी टाइम्स कैन पार्ट बी और व्हीकल नंबर भी अपडेट है? यूजर कैन अपडेट पार्ट बी एस मेनी टाइम्स एज ही वांट्स for movement of goods to the destination. However, the updating should be done within the validity period. अब ये validity period जैसे एक दिन बोला है, तो ये कैसे होगा? तो ये this is 24 hours. क्या 7 बजे अगर आपने UAV निकाला है, तो कब 7 बजे तक के वो valid रहेगा? So it is 24 hours validity. So this is suppose the distance is 310 km, then the validity is 3 + 1, 4 days will be there. Whether UAV bill is required if the goods are being purchased and moved by the consumer to his destination himself? Yes, still it is required. आपने कोई नया goods वगैरह कुछ खरीदा है और वो आप ले जा रहे हैं, then there should be UAV bill. या तो वो सप्लायर को बोल दे कि आप जनरेट कर लो
और अगर सप्लायर कोई कारण से नहीं बोल रहा देन यू हैव टू जनरेट द ईवीबिल एंड दे इन पोर्टल विल सी कि इवन रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन आल्सो इज देयर एज वी हैव ऑलरेडी सीन द ईवीबिल कैन नॉट बी मॉडिफाइड और एडिटेड बट इट कैन बी कैंसल एंड द कैंसलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन विद इन 24 आवर्स ऐसा नहीं कि आपने उसको भूल गए फिर निकाल के कि वो तो कैंसिल हो गया था वो तो मूवमेंट नहीं हुआ नो इट इज टू बी विद इन 24 इट इज टू बी कैंसल्ड तो आपको डिसीजन लेना है कि ये माल भेजना है कि नहीं भेजना विद इन 24 आवर्स हाउ कैन एनीवन वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द करेक्टनेस ऑफ ईवे बिल तो ईवे बिल ये ओरिजिनल है कि नहीं यानी ये सही है कि नहीं ये आप कभी भी पोर्टल पे आप इसको चेक कर सकते हो रेफरेंस नंबर डाल के यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन वेदर इट इज अ फेक और रियल नाउ हाउ टू जनरेट ईवे बिल फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस बिलोंगिंग टू सेम कंसाइनर इफ मल्टीपल इनवॉइसेस आर इशूड टू सप्लायर्स देन ईच इनवॉइस वन फॉर ईच इनवॉइस वन ईवे बिल हैज टू बी जनरेटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ सेम और डिफरेंट कंसाइनर कंसाइनर्स आर इन्वॉल्वड मल्टीपल इनवॉइसेस कैन नॉट बी क्लब्ड to generate one EWB. However, after generating all this EWBs, one consolidated EWB can be prepared for transportation purpose only. For transportation purpose, it can be consolidated. But for first, you have to generate EWB for every invoice. When to enter transport document details for rail, air, ship mode of transportation, as it is available only after submitting goods to the control authority. हो सकता है कि आपको अभी आपने बुक कराया माल लेकिन आपको मालूम नहीं है कि कब मूवमेंट होगा कि ईवे बिल हैज टू बी अपडेटेड विद ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स विद इन वन आवर ऑफ सबमिशन एंड कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेल एयर शिप अथॉरिटी जैसे ही उन्होंने आपको कोई डॉक्यूमेंट इश्यू किया है कि ये आपकी ये लॉरी ये रेलवे रिसिप्ट है जो भी है वो उसके एक घंटे के अंदर आपको वो अपडेट करना है आपका ईवे बिल हाउ टू मल्टीपल मोड्स वी हैव ऑलरेडी सीन नाउ हाउ डज ट्रांसपोर्टर कम्स टू नो दैट पर्टिकुलर ईवे बिल इज असाइंड ट्रांसपोर्टर कम्स टू नो ईवे बिल इज असाइंड टू हिम By the tax rate for transporter is one of the following. The transporter can go to the report section. वो अपने report section में जा सकता है. वो भी हम देखेंगे. Report section में जा सकता है. और वहाँ पे उसको जो assign किए हुए, वो सब वहाँ पे आ जाएंगे automatically. ये EWBs में आपको as a transporter you are assigned. तो वहाँ पे वो देख सकता है. Then transporter can go to update vehicle number and select generator as an option and enter. Taxpayer GSTN who has assigned or likely to assign the EWBs. Now these are all technical things and जब हम actual करेंगे तभी समझ में आएंगे क्योंकि I have also not tried all these things. I have just which have been provided FAQ that I am explaining. Unless and until क्योंकि forms में और actual जब हम fill करते हैं there is a huge difference क्योंकि हमने बाकी forms में भी देखा है तो the text This will be, you can start practicing it by 16 January. The taxpayer can contact and inform the transporter that the particular, या taxpayer या जो supplier है, वो inform कर सकते हैं transporter को कि हमने आपको attend किया है. What has to be done by transporter if consignee refuses to take? अब transporter ने माल ले गया किसी का, लेकिन suppose वो damage है या कोई problem है, वो उसने वहाँ पे बोला कि नहीं ये माल तो हम delivery नहीं लेंगे आपसे. In that case, what has to be done? Then, under such circumstances, the transporter can get one more EWB generated with the help of supplier or recipient. उस केस में वो supplier को recipient तो हो सकता है कि नहीं generate करे, वो supplier को request कर सकता है कि आप वापस as a sales return आप वो generate करिए, and then he can get the goods return. What is to be done if the validity of EWB expires? सपोज कहीं पे ब्रेकडाउन ज्यादा हो गया इसलिए वो वैलिडिटी जो है 100 किलोमीटर पर डे वाली एक्सपायर हो रही है देन वो मूवमेंट तो उसको रोकना पड़ेगा ही कैन नॉट मूव द गुड्स एंड उसको एक्सेप्शनल नेचर के कारण कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट वहां से उसको परमिशन देना पड़ेगा एंड द प्रोसीजर
is yet to be notified for that purpose. Because it is to be electronic. Otherwise, वो कहाँ पे जाएगा department, अलग अलग state है. So it has to be electronic. So वो शायद आगे notify. Now ये आपके बहुत काम की चीज है. लेकिन अभी इतनी clarity नहीं है इसमें क्या होगा. यहाँ पे will to shift to transition. कि आपने आपको कोई गुजरात की पार्टी ने बोला है कि पंजाब में माल बेच दो, ठीक है ना. तो आपने आप बिल करेंगे, सपोज यू आर ए बी इज इन पंजाब, तो यू विल बिल टू पंजाब एंड यू विल डिलीवर द गुड्स टू सी, ठीक है ना. वो गुजरात में तो उसको डिलीवर करेंगे. अब इस केस में ईवे बिल कैसे होगा. तो इस केस में उन्होंने अभी जो एज पर एफिक्स प्रोवाइडेड बाय देम कि ए विल इन्वॉइस टू बी, ए बी को इन्वॉइस करेगा और ही विल जनरेट वन ईवे बिल एंड देन बी विल ऑल्सो इन्वॉइस टू सी, ठीक है ना. ए ने बी को माल बेचा था, बी ने सी को बेचा है, तो बी भी सी के नाम से इन्वॉइस रेज करेगा एंड ही विल ऑल्सो जनरेट वन ईवे. और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसा नहीं कि एक वहां से लेने वहां से पोस्ट होगा या ऐसा कुछ नहीं है. एंड दिस बोथ ईवे बिल हैज टू बी बाय ट्रांसपोर्टर. ये दोनों ईवे बिल उसको ट्रांसपोर्टर को रखना पड़ेगा. मेरे ख्याल से आगे जब ये प्रोविजन आएंगे प्रैक्टिकल में, देयर विल बी अ ईवे बिल, सिंगल ईवे बिल मेरे ख्याल से, और उसमें ऐसा ट्रांजेक्शन को वो इंटीग्रेट कर सकते हैं कि आपने बिल किसको किया, शिप किसको किया, तो एक ही ईवे बिल में ये काम हो सकता है. आई थिंक देयर विल नॉट बी रिक्वायरमेंट ऑफ टू ईवे बिल, देयर विल बी सम चेंजेस इन द सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now, what is the validity of consolidated EV bill? Consolidated EV bill is like a trip sheet and it contains details of different EW bills which are moving in one direction. Hence, it is not having any independent. क्योंकि हो सकता है कि जब वो consolidated EV bill बना रहा है तो सब माल एक ही destination पे जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है कि कोई माल उसको कहीं से उतारना, फिर आगे कहीं ले जाना. तो जो EWB की जो वैलिडिटी है वो अपने इंडिविजुअली उसमें रहेगी. हाउ डज द ट्रांसपोर्ट हैंडल मल्टीपल ईवे बिल विच पास थ्रू ट्रांसशिपमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये भी एक कोई है. दिस इज अगेन अ मल्टीपल. Now, how does the taxpayer update his latest business name, address, mobile number or email IDs in the e-way bill? यहाँ पे आपको आपका latest जो information है, that has to be updated. Otherwise, there will be contradiction in the e-way bill which is generated. उसमें फिर problem आएंगे. इसलिए आपको जो भी actual आपके suppose कोई आपने नया गोडाउन वगैरह खोला या नया कुछ भी किया, तो देन यू हैव टू अपडेट रेगुलरली. दिस अपडेशन हैज टू बी डन इन योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑल्सो. नाउ देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स विच विल बी अवेलेबल इन द ईवेबी पोर्टल. वहां पे कई रिपोर्ट्स अवेलेबल रहेंगी एंड वहां पे जनरली आपको एक दिन की पूरी रिपोर्ट मिलेगी कि आपने वो एक दिन में कितने ईवेबी वगैरह बनाए हैं. वो एक रिपोर्ट रहेगी. वहां पे आप एक रेंज डाल के रिपोर्ट पूरी नहीं निकाल सकते कि मेरे को एक तारीख से दस तारीख या एक तारीख से, क्योंकि डाटा इतना बल्क रहने वाला है कि दैट सिस्टम कैन नॉट प्रोवाइड फॉर यू यूज दैट इंफॉर्मेशन. वो आपके जब एपीआई इंटरफेस रहेगा तब दैट यू कैन यूज दैट. लेकिन अदरवाइज आपको एक दिन की रिपोर्ट उस पर मिलेंगी. व्हाई मास्टर से आप जब ईवेबिल पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे वो कई मास्टर क्रिएशन के लिए बोलेगा कि आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं, आप जिन क्लाइंट के साथ डील करते हैं, आप जिन ट्रांसपोर्टर के साथ डील करते हैं, आप उनके सबके मास्टर्स क्रिएट करते जाइए ताकि आपके क्लरिकल एरर वगैरह वो सब चीजें